नमस्कार मेरा नाम विजय कुमार झा है और मैं आपके क्षेत्र में जो पूर्णिया ज़िले का मैं एसओ के कार्ड पर हूँ इस सीना सीड बायोटेक में और आप लोग यहाँ पर आए आप लोगों का ये बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर हमें समय दिया इसके लिए सभी को धन्यवाद और मैं आपको आज जो हम लोग कट लगाने के समय में बोलते हैं कि आप मेरा गुरु निनानवे मक्का जो है लगाइए ये अच्छा मक्का है ये बढ़िया मक्का है हाँ तो उसको केवल बोलने से नहीं होता है साथ में उसको जब कटाई का समय आया तो मैं आपके पास में हाजिर हूँ उसको दिखाने के लिए भी कि हम क्यों बेहतर हैं हमारा मक्का क्यों अच्छा है उसका एक आपके सामने में ये जीता जागता उदाहरण है किसान बंधु हम यहाँ पर जो अभी आए हैं इस एक हमने चार ब्लॉक बनाया है आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम क्यों बेहतर हैं इसके लिए एक हार्वेस्ट का जो एरिया था मतलब पाँच लाइन पाँच मीटर पाँच लाइन पाँच मीटर में इन्होंने कॉब को तोड़ा एक एकड़ खेत जो होता है वो चार हजार अड़तालीस स्क्वायर मीटर का होता है जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना तो दस बाय दस का बनाए तो सौ स्क्वायर मीटर हुआ इसी तरह जब हम लोग एकड़ की खेती करते हैं तो एकड़ चार हजार अड़तालीस का होता है तो हमने इसको साढ़े दस स्क्वायर मीटर का भुट्टा मात्र तोड़ा है पांच मीटर लंबा और दो दस इसका इसका चौराई हमने काटा पांच लाइन पांच मीटर आपके यहाँ क्या है कि कोई पौधा सत्रह इंच पे लगा हुआ है कोई अठारह पर लगा हुआ है कोई सोलह पर भी लगा हुआ है तो हमने पांच लाइन का जो लंबाई नापा वो आपका आया टू पॉइंट वन जीरो मीटर जब दोनों को गोरा गुना कर दिए तो दस साढ़े दस स्क्वायर मीटर हुआ समझ गया बंधु उसमें ये सारे मक्के का वजन जो आया आपके सामने में तीस किलो आया कहने का मतलब है कि हम उस क्षेत्र का मक्का काट के इसको मैंने तोला दिखाया अब सबसे बड़ी बात है कि ये सामने में आपके सारे कब हैं, सारे भुट्टे हैं क्या हम इसमें से एक उठाते हैं एक उठा लिए ना बड़ा ना छोटा इसको उठाए इसको मैंने तोला ये आपके सामने में अब देखिए ये कितना ग्राम आ रहा है तीन ग्राम। ये तीन ग्राम आ एक भुट्टे का वजन कितना आया तीन सौ ग्राम तीन सौ ग्राम भुट्टा का वजन आया अभी दो मिनट में इसको दिल साहब जरा सा आप उतरवाइए दाना इसका अलग में अभी तो अलग से देखेंगे पन्नी इसको तो तीन सौ ग्राम इसका दाना आया तो सर इसका दाना कितना आएगा एक छोटा सा उदाहरण यदि हमारे पेड़ में एक पेड़ में एवरेज तीन सौ ग्राम का भी भुट्टा आता है और उससे हमें यदि दाना निकलता है सपोज दैट अस्सी मतलब एक सौ में अस्सी किलो अस्सी परसेंट एक सौ में अस्सी किलो दाना तो तीन सौ में कितना दाना उतरेगा अड़तिया 24 कितना होगा 240 ग्राम दाना उतरेगा 240 ग्राम में मैंने 40 ग्राम को सुखौती में दे दिया यानी कच्चा कच्चा होगा तो 40 ग्राम दाना उसमें भी माइनस कर दीजिए आप यदि आप 200 ग्राम भी दाना पकड़ते हैं और खेत में यदि हमारा 25 से तीस हजार पौधा रहता है जो कि इस खेत का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है अभी हम लड़के ने चेक किया वो छत्तीस हजार के आसपास है ये मक्का थोड़ा घना लगा हुआ है अच्छी बात है इसमें थोड़ा छोटा भी भुट्टा आएगा बड़ा भी आएगा लेकिन जब वो पूरा इल्ड काट के तैयारी करेगा तो मैं आपको बता देता हूं ये मक्का आपके ऊपर में लगभग पचास क्विंटल से ऊपर जाएगा मैं बोल रहा हूं एकड़ में और आप जब काटिएगा आप तैयारी कीजिएगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये कितना आपका वजन आया प्रति एकड़ जो है पचास क्विंटल से प्लस जाएगा यानी कहने का मतलब है मेरा पूर्ण विश्वास है कि सुखाने के बाद सब कुछ करने के बाद भी ये बावन क्विंटल से नीचे नहीं आएगा क्योंकि जो भाग मैंने काटा जो मैंने दिखाया उसकी जो गणना मैंने की उसके हिसाब से यह बावन क्विंटल मुझे नजर आ रहा किसान बंधु हम लोग अब दूसरी जैसा ये आते हैं इसमें आइए चलिए सर आगे आगे वाले खाने में अभी मैंने आपके सामने में एक भुट्टा तोला था उसमें मैंने दाना आपके सामने नहीं तोला मैं आपके सामने तो दाना भी तोल देता हूं थोड़ा सा दिक्कत है देखिए 300 प्लस था तभी भी था ना प्लस 315 सौ पंद्रह ग्राम था ना, ना। अभी बलरी को उतारने के पश्चात भी ये 250 ग्राम आ रहा तो 250 ग्राम दाना उतरा इसमें से 50 ग्राम सूख गया दो तब भी 200 ग्राम यदि प्रति भुट्टा आया तो ये 25 से तीस हजार पौधा यदि होगा तो पच्चीस 50, पचास ये वर्ष केस में पच्चीस हजार पौधा बोल रहा है जबकि इस खेत में पच्चीस हजार से ऊपर पौधे हैं अब इनका बलरी देख रहे हैं बंधु ये देखिए ये बलरी कैसी लग रही है आपको बलरी पतला है ना बहुत बारीक है बारीक है ना और एक कहावत है हम लोगों में कि पतली बलड़ी ज़्यादा दाना नहीं तो बहुत सारी कंपनी का मोटा मोटा बलरी आता है उसके दाने में वजन नहीं होता है सर एक कहता है ना कि थोड़ा सा भी दाना है इतना सा दाना का था वजन ढाई सौ ग्राम है किसी का मक्का एक बोरा में ज़्यादा उतरता है और किसी का मक्का बोरा में कम उतरता है क्योंकि उसका वेट अच्छा नहीं होता तो बंधु ये बलड़ी आप देख रहे हैं तो ये बलड़ी पतली है और लाल बलड़ी का उपज हम लोग को कहते हैं कि अच्छा होता हम है हम लोग कहते हैं ना सर तो अब देख लिए और हमने आपको ये भी दिखा दिया अब हम लोग आगे चलते हैं जैसा हम कच्चा मक्का नहीं बेचते हमको मक्का सुखाना पड़ता है तो हमारा ढाई सौ ग्राम वहां पर वो आया था दाने का वजन आया कच्चा दाना अब इसको हम वजन करेंगे इसको डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा हवा लग गया है लेकिन फिर भी इसका 26.3 अभी हम लोगों ने लिया था थोड़ा सा हवा नहीं लगा था तो 31 था थोड़ा सा जो धूप लग गया तो ये तीन चार परसेंट गिर गया ये 26.4 है तो 13 परसेंट लेती है ना 13 परसेंट तो लेता है ना तेरा जो लेता है तो 250 ग्राम का 40 परसेंट कितना होगा? मात्र होता है 35 ग्राम हमने 50 ग्राम बात किया होता है मात्र 35 ग्राम हमने 50 ग्राम बात किया तब भी 200 ग्राम दाने का वजन आया अब हमारे में थोड़ा सा धूप लगा तो 4 परसेंट चला गया यानी आपको मैक्सिमम दो धूप में सुखा के आज आप चाहेंगे कि मंडी का रेट अच्छा है जिस धाने में मॉइस्चर दानों में नमी की कम है मक्का में मात्रा उसको आप जल्द से जल्द मंडी में बेच सकते हैं जैसे ये मक्का काट लिया दो दिन में का रेट गिर जाएगा तो आप जल्दी से सुखा के इसको बेच सकते हैं ये हमारी खासियत है सर अब ऐसे एक लास्ट कॉलम है सर इस खेत में और इस प्लॉट ने इस फार्मर ने मैं इस फार्मर की, की को शाबाशी देता हूँ और इसको मैं सलाम भी करता हूँ इस फार्मर ने पूरा पॉपुलेशन मेंटेन किया जो इस मक्के के लिए चाहिए था 35 से छत्तीस हजार पौधा इस खेत में है और उनका देखिए आप कॉप का साइज देखिए लगभग एक समान लग रहा है सर देखिए और प्लांट को देखिए ये दूर भी नहीं है और कितना मेंटेन है और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक समान पर है भुट्टा देखिए आप, ये देखिए ये बहुत बड़ा चीज है दूसरा हम कहावत है हम लोगों में घना तो है तो अच्छा है और अभी क्या है धीरे धीरे हम लोगों का जमीन सुकुड़ता जा रहा है जमीन आदमी बढ़ता जा रहा है और जमीन घटता जा रहा है सर तो वहां पर क्या चाहिए मुझे एक ऐसा मक्का चाहिए जो कम जमीन में हम अच्छा से अच्छा लगा के और अधिक से अधिक उपज पा सके तो इसमें आपका ये जो पौधा है ये जो मक्का है आप उसको घना लगा के हाँ लेकिन जब घना बढ़ाएंगे तो उसके साथ में हमको मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा उसमें खाद बढ़ाना पड़ेगा यदि घर में आदमी बढ़ जाता है तो खाना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कि चावल ज़्यादा लगा देंगे सब्जी ज़्यादा बढ़ाएंगे उसी तरह यदि हमारे खेत में पौधों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो हमें उसमें फर्टिलाइजर भी बढ़ाना पड़ेगा और तब जाके हम कम जमीन में एक अच्छा से अच्छा उपज ले सकेंगे धन्यवाद सर आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया इसके लिए हम आप लोगों का बहुत ये हैं लेकिन हम आगे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको पूरा सर्विस देने को तैयार हैं हमारे जो फील्ड में जो हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र में आता है दिलसाद जी हैं एमडी डी दिलसाद है वो आपको एकदम कहीं भी से कहीं आपकी परेशानी होगी आपके पास जो अभी गया है उस पर मेरा नंबर भी है कोई भी परेशानी होगी तो मेरा वहाँ पर आपका लड़का हाजिर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग अच्छा से लगाइए मक्का को और एक उचित मूल्य पर आपको यह मक्का मिलेगा धन्यवाद सर